हेलो स्टूडेंट्स आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी, वापी आज हम स्टैंडर्ड इलेवन सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर सिक्स वर्क एनर्जी एंड पावर को आगे बढ़ाते हैं तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स पॉइंट एट से ठीक है टू सिम्युलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर स्टडी द कोलिजन्स ऑफ मूविंग कार्स विथ माउंटेड स्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ठीक है कार है ठीक है उनके एक्सीडेंट को सिमुलेट करने के लिए मतलब अगर कार का एक्सीडेंट हुआ तो आ, कौन कौन सी सिचुएशन बन सकती है उसके लिए क्या करते हैं कि सपोज ऐसा कोई रिजिड सपोर्ट है यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे एक प्लेट है ठीक है और कार को यहाँ से जो उन्होंने फिक्स की हुई है वो स्पीड से यहाँ पे कोलिजन कराते किसके साथ ये जो आपको प्लेट नज़र आ रही है उसके साथ अब ये स्प्रिंग अंदर कितना कंप्रेस होगी उसकी हेल्प से पता चलेगा कि कार है वो कितनी एनर्जी के साथ यहाँ पे कोलाइड हुई थी ठीक है तो आगे पढ़ते हैं कंसिडर अ टिपिकल सिम्यूलेशन विथ अ कार ऑफ मास चलो मास आपको कितना दिया हुआ है वन थाउजेंड किलोग्राम मूविंग विथ अ स्पीड चलो स्पीड कितनी है एटीन किलोमीटर पर आर अब एटीन इंटू अगर मैं फाइव बाई एटीन कर दू तो मुझे मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड ये हो गया फाइव मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विथ अ हॉरिजेंटल माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट चलो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है स्मॉल के कितना है 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पावर थ्री न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यों आया क्योंकि एफ इक्वल टू हमने पढ़ा था माइनस के एक्स आपको याद है तो तो के इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स होगा एफ का यूनिट न्यूटन और एक्स मतलब पोजिशन उसका यूनिट रहेगा मीटर ठीक है आपको पूछा क्या है वॉट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग मतलब एक्स एम फाइंड करना है क्या करोगे आप <coughs> तो आप स्टार्ट करोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ठीक है तो यहां पे हम स्टार्ट करते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हो आप ठीक है तो कार के पास जो एनर्जी थी ठीक है जो टोटल एनर्जी किसके पास थी कार के पास वो फाइनली क्या बनेगी एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार वो टोटली कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में क्योंकि आपको मैक्सिमम कंप्रेशन बोला गया है मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो वेलोसिटी बन जाएगी जीरो कार की और अगर कार की वेलोसिटी तब जीरो हो गई मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो थी वो टोटली totally यहां पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई इसीलिए तो काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू मिल गई जीरो ठीक है तो कार की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स एम स्क्वायर ठीक है यहाँ पे वन बाई टू वन बाई टू कैंसल आउट मास आपको दिया हुआ था वन थाउजेंड तो ये वन थाउजेंड हो गया वेलोसिटी है फाइव और उसका हमें करना है यहाँ पे स्क्वायर स्क्वा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पावर थ्री सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पावर थ्री इंटू यहाँ पर करना है एक्स एम स्क्वा ठीक है तो यहाँ पे वन थाउजेंड एंड टेन टू पावर थ्री कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ थाउजेंड वैल्यू आ गई ठीक है चलो तो एक्स एम मुझे क्या मिलेगा एक्स एम स्क्वायर मुझे मिलेगा फोर तो एक्स एम मुझे मिलेगा टू मीटर मतलब जो स्प्रिंग है वो मैक्सिमम टू मीटर तक कंप्रेस हो रही है ठीक है चलो तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन ठीक है सिचुएशन क्या थी वो समझ में आ गई कार है वो सम वेलोसिटी के साथ मतलब सम काइनेटिक एनर्जी के साथ स्प्रिंग के साथ कोलाइड हुई और अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी स्प्रिंग को और स्प्रिंग के पास आ, आ गई एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो कार की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग को हमने यहाँ पे इक्वलाइज कर दिया और एक्सएम हमें यहाँ पे मिल गया ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर एग्जांपल सिक्स पॉइंट सेवन मतलब जो पहले वाला जो एग्जांपल था पहले वाली जो सिचुएशन थी वो फिर से आप याद करो taking the coefficient of friction mu to be 0.5 coefficient of friction आपको क्या लेना है 0.5 पहले देखो आपको बोला गया था smooth road मतलब यहाँ पे कोई friction नहीं था अब यहाँ पे friction भी आपको count करना है and calculate the maximum compression of the spring और उसके बाद आपको स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है ठीक है तो देखो होगा क्या कि ये जो सिचुएशन है ना वो कुछ इस तरह बनेगी कि यहां पे एक रिजिड सपोर्ट है और ये हो गया रोड ठीक है और ये रिजिड सपोर्ट यहां पे स्प्रिंग को बांधा हुआ है ऐसे कार हम ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो ये समझ लो कि कार है ठीक है, ये कार है अब देखो कार यहां पे v वेलोसिटी से कोलाइड हो रही है इस तरफ जा रही है v से, अब उसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं एक नीचे की ओर उसका खुद का वेट एम जी ऊपर की ओर हम जो बोलते हैं नॉर्मल फोर्स वो एन ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑपोजिट डिरेक्शन में तो यहाँ पे रोड के ऊपर कार की जो मोशन है उससे ऑपोजिट डिरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ ठीक है और स्प्रिंग भी एक अपना फोर्स लगाएगी के एक्स ठीक है बट हमें यहाँ पे एनर्जी की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है तो यहाँ पे भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हो बट थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्युं? क्यों क्योंकि यहाँ पे आ गया फ्रिक्शनल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो हम जो पहले करते थे ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पे ये वाला लॉ अप्लाई नहीं कर सकते क्यों क्योंकि इनिशियल जो टोटल एनर्जी थी वो फाइनली आपको टोटल एनर्जी नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि वर्क डन यहाँ पे होगा अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और वो वर्क डन है वो आपको यहाँ पे हीट लॉस या तो एनर्जी लॉस के फॉर्म में मिलेगा तो यहाँ पे टोटल एनर्जी है वो चेंज हो सकती है ठीक है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हो बट थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा और हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि जितना हो सके उतना इजी रहे आपके लिए ठीक है तो यहाँ पे हम इक्वेशन बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार समझो आपको ये ध्यान में रखना है इतना याद रखना कि सोर्स यहाँ पे फ़ाइनल एनर्जी और प्लस सम वर्क होगा और वो अगेंस्ट कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और ये वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होती है बट यहाँ यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेनी है समझना कि एक सोर्स होता है जहाँ से एनर्जी मिली फिर आप बोलोगे उसमें से इतनी वेस्ट हुई और बाकी जो बची वो फ़ाइनल एनर्जी सपोज आपके पास टोटल एनर्जी थी हंड्रेड और फाइनली बचती है एटी तो मतलब क्या हुआ कि बाकी की जो ट्वेंटी है वो वर्क करने में यूज़ हो गई तो सेम ऐसा आप लॉजिकल सोच के एक फॉर्मूला बना सकते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार वो मेन सोर्स है यहाँ पर एनर्जी का वो जब स्प्रिंग के साथ कोलाइड होगी तब स्प्रिंग की क्या बनेगी तो स्प्रिंग की यहां पे बनेगी पोटेंशियल एनर्जी तो यहां पे हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस चलो ये दोनों मैच नहीं होगी पहले हो रही थी देखो यहां पे यहां पे हमने सेम वही किया था ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे मैच हो गई थी क्यों क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था मतलब कोई भी हीट जनरेट नहीं हुई थी जो एनर्जी लॉस कराए तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होगी इसीलिए ये दोनों मैच नहीं करेगी सपोज़ इसकी वैल्यू आपको हंड्रेड मिल रही है तो इसकी एटी मिल सकती है तो प्लस समथिंग यहाँ पे कुछ होगा जो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो जो एनर्जी लॉस है वो रहेगा वर्क डन अगेंस्ट कौन सा फोर्स सॉरी ग्रेविटेशनल नहीं आएगा यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स तो सिंपल सा एक इक्वेशन बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार मतलब हाफ एम वी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाफ के एक्स एम स्क्वायर प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स तो वो कितना रहेगा तो वो रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शनल फोर्स में स्मॉल ले एफ ले लेता हूँ और डिसप्लेसमेंट में ले, ले लेता हूँ एक्सएम ठीक है तो यहाँ पे ये हाफ़ एम वी स्क्वायर यहाँ पे भी हमें एक्स एम फाइन करना है तो वैल्यूज़ ही रख देते हैं सारी या तो अभी मत रखो हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज़ हाफ़ के एक्स एम स्क्वा प्लस ये रहेगा म्यू एस एम जी इंटू एक्स एम ठीक है यहाँ पे म्यू एस नहीं लिख सकते हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिर्फ म्यू क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है ठीक है सिर्फ दिया हुआ है आपको कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन अब वैल्यूज रख दो हाफ मास है वन थाउजेंड और आपको वेलोसिटी दी हुई है फाइव तो उसका यहाँ पे स्क्वायर ये हाफ के की वैल्यू कितनी है तो के हमें दिया हुआ था प्रीवियस एग्जाम्पल में सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पावर थ्री तो सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पावर थ्री और एक्स एम स्क्वायर मतलब एक्स एम हमें फाइंड करना है तो ये एक्स एम हो गया चलो ये म्यू की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव एम की वैल्यू वन थाउजेंड और जी की वैल्यू ले, ले लेते हैं टेन ठीक है 10. और एक्स एम हमें फाइंड करना है चलो यहाँ तक क्लियर अब ये देखो राइट हैंड साइड पे वन थाउजेंड कॉमन निकल रहा है तो वो इसके साथ कैंसल आउट हो गया तो यहाँ पे बचेगा ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव एक्स एम स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस यहाँ पे टेन इंटू एक्स एम डिवाइड बाई टू क्योंकि जीरो पॉइंट फाइव को आप बोल सकते हो वन बाई टू मतलब मैंने क्या किया ये ज़ीरो पॉइंट फाइव जो आपको दिख रहा है उसकी जगह पे लिखा है वन बाई टू तो अभी देखो यहाँ पे वन बाई टू भी यहाँ पे कॉमन निकल के कैंसल आउट ठीक है तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा सिक्स पॉइंट टू फाइव एक्स एम स्क्वा प्लस टेन इंटू एक्स एम माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो अब ये इक्वेशन को आप बी स्क्वायेयर माइनस फोर ए वाला जो इक्वेशन था ना माइनस पी प्लस और माइनस अंडर रूट स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए ये फॉर्मूला की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है और जब सॉल्यूशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा xm इक्वल टू वन पॉइंट थर्टी फाइव मीटर ठीक है इसका सॉल्यूशन आप टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ते थे आपको याद है तो क्लियर चलो तो एक्स एम की वैल्यू यहां पे आपको मिल जाएगी सिर्फ सिंपल सा यहाँ पे इक्वेशन बनाना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस सम वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स और यहाँ पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हुआ है उसका मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि हमने लिखा है इसको राइट हैंड साइड पे ठीक है अभी स्टार्ट करते हैं पावर ठीक है एक और टॉपिक है 6.10.6 द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है ठीक है तो एक बार अच्छे से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आप पावर में देखो पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड याद रखना पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर ठीक है वर्क को आप मेज़र कर सकते हो कितना वर्क हुआ है सपोज थाउज़ेंड जूल टू थाउजेंड जूल ईज़ीली आप कंपेयर कर सकते हो ठीक है बट अगर एक ही साथ दो पर्सन है दोनों ने वर्क किया है थाउजेंड जूल तो फिर आपने आप देखना चाहोगे कि कौन से पर्सन ने कितने टाइम में ये वर्क फिनिश किया सपोज़ एक पर्सन को टाइम लगता है टू पॉइंट फाइव आर और दूसरे पर्सन को टाइम लगता है वन पॉइंट फाइव आर तो आप बोलोगे ये ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि सेम वर्क कम टाइम में फिनिश किया है ठीक है इसीलिए एनर्जी को हमने हमें कंपेयर कराना था बट टाइम रेट के साथ कि कितने कम टाइम में कितनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है या तो कितना ज़्यादा वर्क हुआ है तो इसीलिए हमने एक क्वांटिटी बनाई पावर ठीक है पावर को हम जनरली पी से डिनोट करेंगे और पावर इज डिफाइंड एज दी टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड तो एवरेज पावर का फॉर्मूला बनेगा पी एवरेज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी या तो सिर्फ आप लिख सकते हो डब्ल्यू डिवाइड बाई टी बट आपको याद रखना है कि ये डन है और ये टाइम ड्यूरेशन है सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है टाइम ड्यूरेशन है क्लियर तो पी एवरेज इक्वल टू आप डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी लिख सकते हो अब डेल्टा डब्ल्यू लिखने का मतलब क्या सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि एक काम करना था सपोज एक गार्डन साफ करना था ठीक है और मैंने लास्ट में ऑब्जर्व किया कि जिसको मैंने काम दिया था गार्डन साफ़ करने का उसने थाउजेंड जूल जितना वर्क किया और टाइम लगा है टाइम लगा है टू पॉइंट फाइव आर ठीक है बट कभी कभी ये हो सकता है कि जब मैंने गार्डन साफ़ करने के लिए किसी को बोला तब ऑलरेडी ट्वेंटी फाइव परसेंट गार्डन साफ़ हो चुका था वो पहले किसी और ने किया हुआ था तो ये हो गया इनिशियल वर्क डन और फाइनल हम लेके गए थाउजेंड तक मतलब नेट वर्क डन क्या हुआ डेल्टा डब्ल्यू फाइनल माइनस इनिशियल तब नेट वर्क डन आपको पता चलेगा कि आज का काम तो सिर्फ सेवन फिफ्टी ही हुआ है समझ में आया मतलब जब भी इनिशियली कोई वर्क ऑलरेडी हो चुका है उसमें आप ज़्यादा वर्क कर रहे हो तब आपको चेंज इन वर्क लेना पड़ेगा पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए ठीक है इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या रहेगा इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या रहेगा तो टाइम ड्यूरेशन है वो वेरी स्मॉल है तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला बनेगा डी डब्ल्यू बाई डी टी ठीक है तब फॉर्मूला बन जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी चलो अभी डब्ल्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट तो f वेक्टर डॉट r वेक्टर क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगी सपोज कांस्टेंट फोर्स है ठीक है तो ये f वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे dr आर बाई तो फिर पावर का फॉर्मूला आपको मिलेगा फोर्स डॉट dr आर बाई मतलब क्या वेलोसिटी r क्या है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप डेरिवेशन करो तो आपको मिलेगा वेलोसिटी तो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है मैकेनिकल पावर के लिए ठीक है तो फोर्स क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सॉरी पावर इक्वल टू क्या बनेगा फोर्स इनटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बट आपको विथ कंपोनेंट लेना है इसलिए यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है ठीक है चलो यूनिट ऑफ पावर में क्या आएगा यूनिट ऑफ पावर में क्या आएगा तो अगर आप ऐसा यूनिट की बात करो तो वर्क डन अपॉन क्या है टाइम मतलब जूल पर सेकेंड और उसी को हम क्या बोलते हैं वॉट जूल पर सेकेंड या तो क्या बोलते हैं वाट और अगर पूरा नाम लिखना है तो पूरा आपको स्मॉल में लिखना है ऐसे ठीक है अदर यूनिट की बात करें तो एक आपको पावर का यूनिट आपने काफ़ी सुना भी होगा हॉर्स पावर तो वन एच पी वन हॉर्स पावर इक्वल टू सेवन फोर्टी सिक्स वॉट ठीक है अगर कन्वर्जन करना है तो चलो यहाँ तक क्लियर होगा यहाँ पे याद रखना एवरेज पावर में आप डी डब्ल्यू बाई डी टी तो करते ही हो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी बट अगर एनर्जी है तो पावर इक्वल टू तो आप डेल्टा ई e बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो क्योंकि पावर की डेफिनेशन में दोनों चीज़ें हैं रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो डेल्टा ई बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो सेम वे यहाँ पे डी ई बाई डी टी भी आपको मिल सकता है ठीक है अब एक बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ठीक है जिसको हम बोलते हैं यूनिट या तो किलोवाट आर ठीक है तो वन यूनिट इक्वल टू वन किलोवाट आर और वन किलोवाट आर को आप जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो वन किलोवाट की जगह पे मैं लिख सकता हूँ थाउजेंड वॉट और आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ थ्री सिक्स जीरो जीरो सेकेंड ठीक है तो ये बन गया थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स वॉट इंटू सेकेंड वॉट इंटू सेकेंड मतलब क्या तो वन वॉट इक्वल टू हमने अभी देखा था वन जूल पर सेकेंड अब ये वाट इंटू सेकेंड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा जूल तो यहाँ पे थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स जूल ये आपको याद रखना है वन यूनिट ऑफ एनर्जी या तो वन किलो वॉट आर एनर्जी ये पावर का यूनिट बिल्कुल नहीं है ये एनर्जी का यूनिट है क्योंकि वॉट के साथ आर भी है मतलब टाइम का यूनिट भी है ठीक है तो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं उसमें यूनिट लिखा हुआ होता है आपको पता है तो कि सपोज़ टू फिफ्टी यूनिट जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है ठीक है तो वो एनर्जी इस यूनिट में मेज़र करते हैं अब ऐसा क्यों करना पड़ा क्योंकि जूल है वो बहुत छोटा यूनिट है अब देखो यहाँ पे एक यूनिट हो रहा है तब यहाँ पे 3.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स जूल हो रहे हैं एनर्जी ठीक है तो एनर्जी को जूल में कैलकुलेट करना ठीक है उतना इजी नहीं है इसीलिए हमने थोड़ा बड़ा यूनिट सिलेक्ट किया यूनिट या तो आप बोल सकते हो किलो वॉट आर ठीक है चलो तो एक थियोरी हो गई और दो हमने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स कर लिए ठीक है अच्छे से रिवाइज़ कर लेना एक बार और कोई डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो थैंक यू